पैसा चंगा बंदा के पास पैसा इकट्ठा हो जाए, दुनिया आ जाए, कारोबार सब तो ज़्यादा हो जाए, जिहड़ा आखरत वाला काम है उसके वाले पास ध्यान ही नहीं। ये अल्लाह वाले के कोल बैठे हैं, खुदा की कसम निज़ाम बदलिया, अल्लाह वाले को बैठे हैं, कोई मिशन बदलिया है। हदीस शरीफ मेरे नबी आम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स मोमन के दिल नू राजी कर दे ना, मोमन के दिल नू राजी कर ले, किस तरह राजी, किसी तरीके दे नाल भी राजी ना। तो मैं हदीस पढ़ी, मुर्शद वाले पास ध्यान गया, मुर्शद ने अपने मुर्शद को किस तरह राजी किया, जिन्हें राजी कर लिया किस तरह राजी कर लिया, किसी तरीके दे नाल भी गल कर दे, ऐसे लफज कह दे, मोमन होवे सही ना, ऐसे लफज कह दे कि मोमन का दिल राजी हो जाए, दिल राजी हो जाए। अगले अल्फाज मेरे नबी आम ने फरमाया कि 60 साल अगर बंदा नफल पढ़े, 60 साल नफल पढ़े, तो 60 साल के नफलों को भी ज्यादा अल्लाह पाक खुद आजर देगा अगर मोमन का दिल राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, 60 साल के नफलों को भी ज्यादा अल्लाह ने दिया है, कायनात का मालिक तो रब ही है, देना भी उसने ही, उसके खजाने की कोई कमी नहीं। तो आपने सुना कि 60 साल के नफल जो पढ़न ने उन्होंने तो भी अगर किसी मोमन का दिल राजी हो जाए। देखो किन्ने अल्लाह के वली ने इकराम ने अज क्यों नाम रोशन हो रहा है, उसने अपने मुर्शिद का दिल राजी किया, अल्लाह राजी हो गया, तो देखो चर्चा हो गया जी है। असल थोड़ा जहा बंदा जो स्टडी करता है तो फिर डीपली जो पीक अंदर जाता तो पता लगता है कि यार बनता की पे जी है। अज अल्लाह पाक करे ज़्यादा अपनी हस्ती को अगर कोई मरतबा चाहिए गाना खाक भी उनका गुले गुजार होता है, बंदे अपने आप में नीमा कर इन शाला तला कि पीछे तो दौड़ लाई कि पीछे दौड़ लाई है तुम्हें। मैं एक दो दिन वास्ते जी आजम आ अल्लाह पाक के फजल के नाल